सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिरोन्स क्लासेज। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिकॉइल वेलोसिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और इसके पहले की जितनी भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आज की टॉपिक रिकॉइल वेलोसिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार। आप हमेशा मूवीज देखते होंगे जहाँ पे एक सैनिक जब बंदूक तानता है तो उस बंदूक का पीछे का पोर्शन वो हमेशा कंधे पे टिका के रखता है। इसकी वजह क्या होती है? अगर वो कंधे पे टिका के ना रखेगा तो उसे क्या झेलना पड़ेगा? तो अक्सर हम देखते भी हैं इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं, ये घटनाएँ हम सुने हैं कि जब कोई इंसान अगर बंदूक को कंधे पे ना टिकाए रहे और वो फायरिंग करे तो उसकी हड्डियाँ भी चकनाचूर हो सकती है, उसकी हड्डियों, उसके जो हैंड है ना उसमें क्रैम्प आ सकता है, ठीक है, वो चोटिल हो सकता है, घायल हो सकता है। इवन अगर आप एक छोटा पिस्टल यूज कर रहे हैं, कोई पुलिस अधिकारी अगर वो पिस्टल चलाते हैं तो हाथ को भी एक झटका महसूस होता है। इनकी ट्रेनिंग दी जाती है उनको कि कैसे ये प्रैक्टिस में लाया जा सके और कैसे आसानी से वो फायर कर सके, ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। ये आसान नहीं है कि बस पिस्टल लिया और गोली चला दिया, बहुत आसान नहीं है। जो लोग इस फील्ड में हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, इवन जो राइफल्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है कि कैसे एक खास लोकेशन पे उसे रखना है ताकि जो भी झटका महसूस हो, ये झटका है क्या, जैसे गोली जब आगे निकलती है तो सिर्फ आगे गोली नहीं जा रही है बल्कि वो एक झटका छोड़ के जा रही है। गोली तो निकल गई आपकी, जो बुलेट थी वो बुलेट तो निकल गई राइफल से, पर राइफल को भी एक झटका महसूस हुआ और वो झटका आपको धकेलेगा पीछे की तरफ। इसी को तो हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं, जो झटका पीछे की तरफ धकेलता है, तो कोई भी झटका हो वो किसी रफ्तार से पीछे की तरफ जाएगी। अगर बंदूक झटका खाएगी तो एक रफ्तार से पीछे की तरफ जाएगी और जिस रफ्तार से बंदूक पीछे की तरफ आ रही है वही रिकॉइल वेलोसिटी। फिर से सुनना, जिस रफ्तार से राइफल बुलेट चलाने समय जब गोली चलाती है, वो राइफल जब गोली छोड़ती है, जैसे समझो ये वाली मार्कर गोली है और ये मेरा हाथ राइफल है, जब ये गोली जैसे छोड़ेगी तो राइफल पीछे की तरफ धक्का खाएगी, झटका खाएगी, और ये झटके की एक रफ्तार होगी, पीछे आने की एक रफ्तार होगी, और इसी रफ्तार को हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। तो आपको इस रिकॉइल वेलोसिटी से बचना है, क्योंकि अगर ये तेज़ी से झटका खाएगी और आपने कहीं अगर यहाँ पर लगा लिया है तब आपके ये जो ये वाला एरिया है ना ये इंजर्ड हो जाएगा। तो आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे आप या कोई सेना जो होंगे फौजी होंगे वो उसे झेल पाए। अब देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पिस्टल लिया है, सच का नहीं है, बस बोर्ड पे आपको दिख रहा है 2D डायग्राम। अब मान के चलो इसकी कुछ मास है, मैं मान के चलता हूँ इसकी मास M1 है, ठीक है, ऐसा लिख लूँ मैं, मास ऑफ पिस्टल, मास ऑफ गन भी लिखा जा सकता है, अभी के लिए गन लिख लो बाबू, मास ऑफ गन M1 मैं लिख लेता हूँ, फिर M1 लिख लेता हूँ। अब अगर ये बुलेट छोड़ती है, अगर ये बुलेट ऐसे छोड़ती है, एक बुलेट ऐसे छोड़ी, ठीक है, इस तरह से ये बुलेट ऐसे छोड़ी, ये बुलेट आगे की जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, तो इस बुलेट का मास हम ले लेते हैं, मास ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा, M2 ले लो। अब बुलेट किसी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ेगी तो मैं लिख लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या ले लो, V2 ले लो। एक सेकंड, मैं यहाँ पे फाइनल ले रहा हूँ या इनिशियल ले रहा हूँ? तो चलो इनिशियल के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूँ तो जब बुलेट छूटेगी तब उस समय जो इनिशियल वेलोसिटी होगी इसकी, ये 0 होनी चाहिए। जब बुलेट छूटेगी, छूटना शुरू हुई होगी, तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है U2 इज इक्वल टू 0, और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो कुछ ना कुछ होगी क्योंकि आगे की तरफ ये बढ़ेगी किसी रफ्तार से, पर इनिशियल क्या था, 0 था। ठीक उसी तरह जब हम इसके बारे में लिखेंगे तो मैं लिखूंगा जब ये झटका खाएगी पीछे की तरफ, तो जब ये झटका खाना शुरू ही हुई होगी, जब ये झटका खाना शुरू हुई होगी इस पॉइंट पे ऐसे शुरू हुआ, तो इस समय इसकी U1 क्या होगी, 0 होगी। मैं 1 किसके लिए लिख रहा हूँ, मान के चलो ये तुम्हारी कौन सी बॉडी है, 1 है, पहली बॉडी है गन, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, दूसरा बॉडी है, यहाँ पे 2 लिखूँ, समझ में आया क्या, तो U1 0 होगा। दोनों के केस में, दोनों ही के केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होने वाली है। ये भी इस पॉइंट से समझने की कोशिश करना, इस पॉइंट से ये इधर चली गई, ये इधर आई, और दोनों ही रेस्ट से शुरू होता है,
आपका गन भी अस्थिर था पहले, बुलेट भी अस्थिर थी इसके अंदर, अब जब चलनी शुरू हुई तो इनिशियल इसकी भी जीरो लेंगे और इसकी भी जीरो लेंगे, पर फाइनल दोनों की कुछ ना कुछ होगी, ये भी तो झटका खाएगी ना, ऐसे ऐसे पीछे की तरफ झटका खाएगी। तो मैं क्या लिखूँगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मैं लिख लूँ V1, क्योंकि U1 जीरो है, U2 जीरो है। अब इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर हम सेट करते हैं और देखते हैं वहाँ से क्या मिलता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या था फॉर्मूला, ये था M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, यही था राइट। अब यहाँ पर आप क्या करो, U1 और U2 को जीरो कर दो, U1 और U2 को जीरो कर दो। तो सोचो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ M1, ठीक है, और U1 क्या हो गया, U1 जीरो हो गया राइट। फिर क्या करते हैं, प्लस M2, U2 क्या हो गया, U2 भी देखो उधर जीरो है ना, तो ये भी इंटू में है, ये भी इंटू में है, M1 × 0 M2 × 0 खत्म हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, जीरो प्लस जीरो जीरो। आगे क्या बच जाएंगे, आगे देखो ये बच जाएंगे, जीरो इक्वल M1 V1 प्लस M2 V2, ये समझ में आ जाएगा। आप एक काम कर सकते हो इसे सही तरीके से दिखाने के लिए, जैसे कि ये फर्स्ट बॉडी की हम बात करें, फर्स्ट बॉडी का मास, गन का मास और गन की वेलोसिटी, पहली बॉडी कौन सी है, गन है, तो मैं इसको M1 क्या था, देखो ब्लू में है, ब्लू में लिख देता हूँ M1 ऐसे, ब्लू से क्या समझोगे कि पहली बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ और पहली बॉडी की वेलोसिटी, ठीक है, और रेड से क्या समझोगे कि मैं दूसरे बॉडी की बात कर रहा हूँ M2 V2। अब सोचो ये जीरो है, समझ में आ रही बात, ये जीरो है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे क्या दिक्कत है, ये आपको दिख रहा है, ये मतलब कि इसकी मोमेंटम और इसकी मोमेंटम को जब जोड़ेंगे ना तो जीरो हो जाएगा, ऐसा कैसे हो रहा है, सोचो इसकी मोमेंटम और इसकी मोमेंटम को जोड़ेंगे तो जीरो हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी मोमेंटम इस तरफ है, इसकी मोमेंटम उस तरफ है, डायरेक्शन ही अलग है और दोनों ही इक्वल है आपस में, इसलिए जीरो हो जा रहा है। कैसे, इक्वल करके देखते हैं, सोचो M1 V1 अगर इधर रह जाए, M1 V1 अगर इधर रह जाए तो क्या होगा, M2 V2 उधर चला जाएगा, इक्वल माइनस M2 V2 होगा, माइनस M2 V2। देखो तो जितना M1 V1 है, पहले बॉडी की मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी क्या होगी, इसकी मोमेंटम, पहले बॉडी की मोमेंटम, और ये देखो दूसरे बॉडी की मोमेंटम जो कि बुलेट है, दूसरे बॉडी की मोमेंटम जो कि बुलेट है, ये दोनों आपस में बराबर है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि जो मोमेंटम गन का होता है वही मोमेंटम बुलेट का होता है, ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख दो मोमेंटम ऑफ गन, मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट, या पहली बॉडी या दूसरी बॉडी करके भी तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा थोड़ी ना तुम्हें बुलेट और गन मिलेगा, कभी दूसरी बॉडी भी तो हो सकती है, कुछ और नाम भी तो हो सकता है जहाँ झटका महसूस हो। मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि यही होने वाला है। अब यहाँ से मैं रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है, रिकॉइल वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से ये पीछे हटी होगी, इसकी वेलोसिटी क्या है, U1 तो जीरो है, हटा दो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट मैं V1 को कंसिडर करूँगा, यही है मेरी रिकॉइल वेलोसिटी। क्या हम इसको कह देंगे, दिस इज रिकॉइल वेलोसिटी, समझ में आ रहा है, दिस इज रिक्वायर वेलोसिटी, मुझे क्या निकालना है, V1 निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं V1 को यहाँ छोड़ देता हूँ, जब V1 को मैं यहाँ छोड़ूंगा तो यहाँ पे इक्वल में क्या जाएगा, माइनस M2 V2 बाई, और ये M1 जो होगा, ये जो गुना में था इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा M1। आपको दिख रही होगी ये, अगर नहीं दिख रही होगी तो मैं कहीं पे साइड में लिख दूंगा, मेरे ख्याल से ये दिखनी चाहिए, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये दिख रही है, ठीक है, ये आपकी फॉर्मूला हो गई, सोचो ये वाला नहीं, ऐसे ये आपकी फॉर्मूला हो गई, ठीक है, क्या था, V1 इक्वल -M2 V2 बाई M1, यही आपकी फॉर्मूला होगी, जहाँ पे M1 क्या है, मास ऑफ गन है, V1 क्या है, रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन है, M2 क्या है, मास ऑफ बुलेट है, V2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, देखो जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है,
और जिसका मास ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी कम है। जाहिर सी बात है गन का मास बहुत ज़्यादा था तो झटका तो ये खाया लेकिन इसकी वेलोसिटी कम थी। झटका ये भी खाता है पर इसकी मास कम होने के कारण इसकी वेलोसिटी हो जाती है। सोचो, ध्यान से सोचना कि अगर इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम आपस में बराबर है और इसका मास ज़्यादा होगा तो इसकी वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा और इसका मास कम होगा तो इसकी वेलोसिटी को ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी तो बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रही है?